हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी सब सही होंगे। आज फिर मैं सर्वेइंग का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड साइट वर्क के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोड वर्क हो या बिल्डिंग वर्क हो या फिर आपको कहीं पे भी रोड लेवल पे या बिल्डिंग लेवल पे या फिर लैंड पर आपको कटिंग करनी है या फिर फिलिंग करनी है या फिर आपको लेवल चेक करना है, डिफरेंस क्या है इसका, लेवल का डिफरेंस क्या है, जैसे कि आप फुटिंग का है या फिर आप फुटिंग का काम करवा रहे हैं बिल्डिंग वर्क में या फिर कटिंग करवा रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि लैंड सरफेस क्या है, आपको कटिंग कितनी करनी है, कि गहराई कितनी जानी है, फुटिंग का लेवल क्या लेना है, कॉलम का लेवल क्या लेना है, स्लैब का लेवल क्या लेना है, या फिर आप रोड काम या फिर आपको रोड का काम करवा रहे हैं, रोड के लेवल में इनिशियल और फाइनल वाल का स्लोप क्या देना है। चलो स्लोप के लिए तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। स्लोप उसमें आपको कटिंग क्या है, फिलिंग क्या है, साइड का जो दोनों बोथ साइड है ना, बोथ साइड कोलिमेशन बनता है। हाँ, कोलिमेशन साइड में जो रोड का दोनों बोथ साइड में लेवल लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, वो क्या है, यही वो टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बीटेक में और डिप्लोमा में बहुत आ जाता है, बहुत जरूर आता है, और ये कैट में भी बहुत आता है। चलो वीडियो शुरू करने से पहले आज आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube.com। इसमें अगर आप YouTube ओपन करते ही आपको उसमें सर्च का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसमें आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, ये आपका सर्च का ऑप्शन आएगा। इसमें आप सर्च करते ही बस ये टाइप करना है, CE&T। बस ये टाइप करते ही आपको ये चैनल आपको मिल जाएगा, CE&T, ठीक है। YouTube में आप जैसे ही सर्च करेंगे ये CE&T, सर्च करने के बाद आपको CE&T आ जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। से लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल में आपके लिए बहुत खास वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको ये सर्वेइंग से रिलेटेड हो, रोड वर्क से रिलेटेड हो या बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड हो, एवरीथिंग आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एक और बता दूँ मैं आपको, इसमें बेल आइकन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ये आपको पास बेल आइकन ज़रूर मिलेगा, इस बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते ही आपके पास बेल आइकन ज़रूर आएगा। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियोस में अपलोड करूँगा ना, वो सबसे पहले आप उसको देखेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस आपके पास टॉपिक क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया मैं टॉपिक क्या लेकर आ रहा हूँ, किस चीज़ पर लेकर आ रहा हूँ। अब वो टॉपिक पढ़ लीजिए क्या है, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ ताकि आप समझ जाए। अब एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये टॉपिक मुझे करना क्या है और इसमें रीडिंग मुझे लेनी क्या है, राइस फॉल मेथड है या फिर कंटिन्यू मेथड है, क्या मेथड है इसमें, आपको मेथड समझ में नहीं आता है लेकिन कोलिमेशन मेथड, कोलिमेशन के लिए बता रहा हूँ आज मैं, ठीक है। इसमें देखो आपके पास द फॉलोइंग स्टार रीडिंग्स वर ऑब्जर्व विद द लेवल द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव्ड आफ्टर थर्ड सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग्स। जो आप फॉलोइंग निम्न रीडिंग ले रहे हैं स्टाफ रीडिंग से ऑब्जर्व विद लेवल, ठीक है, लेवल ले रहे हैं आप इंस्ट्रूमेंट से, आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया आफ्टर थर्ड रीडिंग के बाद, सिक्स रीडिंग के बाद और आठवीं रीडिंग के बाद। पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ लेवल में कैसे क्या करना है, स्टाफ को कैसे चेंज करना है, स्टाफ चेंज करने की आप फोर साइड क्या लेंगे, बैक साइड क्या लेंगे और इंटरमीडिएट साइड क्या लेंगे। बैक साइड हमेशा जो भी बेंच मार्क पे जो लेवल लेते हैं ना, बेंच मार्क आपके पास होता है, टेम्प्रेरी बेंच मार्क हो या चेंज पॉइंट हो, आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करते ही जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे आप वो बैक साइड में आएगी, और जो आप लेवल चेक करते हो जाएंगे ना बीच बीच में, वो आपके इंटरमीडिएट साइड में। और जो भी आप इंस्ट्रूमेंट खोलने से पहले है ना, इंस्ट्रूमेंट हटाने से पहले जो भी लास्ट रीडिंग लेंगे वो आपकी फोर साइड में ही आएगी। और इन रीडिंग में हमेशा ये याद रखना, जो भी फर्स्ट रीडिंग, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ ये सब, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इसी वीडियो में बता रहा हूँ, जो भी आपके इन रीडिंग में जो भी फर्स्ट रीडिंग आएगी वो हमेशा बैक साइड में आएगी, जो लास्ट रीडिंग आएगी आपकी हमेशा फोर साइड में आएगी। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप चेंज करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे ना आप, इसके बाद बोला है, देखो आपने आफ्टर थर्ड के बाद ही आपने चेंज किया है, इट्स मीन ये लास्ट रीडिंग है,
जो आपने पहले लेवल किया है, एक इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पर लेवल चेक किया है, तो ये लास्ट रीडिंग है, ये भी लास्ट रीडिंग है, ये भी लास्ट रीडिंग है। आप कंटिन्यू लेवल करते जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के लिए आपके पास लेवल ये है, ठीक है, ये लास्ट लेवल है। देखो आपने स्टेशन बना लिया, बिल्कुल सिंपल मेथड आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो भी एग्जाम से रिलेटेड है। उसके बाद देखे पढ़े क्या है, एंटर दी अबव रीडिंग्स इन ए पेज ऑफ ए लेवल बुक। आपको एक लेवल जो भी रीडिंग है, एक लेवल बुक बनाइए, लेवल बुक बनाइए, लेवल देखिए आपके पास लेवल कहाँ कहाँ है, एंड कैलकुलेट दी आर एल ऑफ पॉइंट्स इफ द फर्स्ट रीडिंग टेकन विद द स्टाफ ऑन ए बेंच मार्क ऑफ। देखो आपने रीडिंग ली, अपने इस बेंच मार्क, अपने इस लेवल करना स्टार्ट कर दिया, सपोज कीजिए कुछ भी याद करने के लिए ना, इसमें एक पॉइंट ही ले लीजिए। अगर आप बुक से बुक में कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी जैसे महाभारत या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें कोई भी नुक्ता निकाल दीजिए, वो ही याद रहेगा आपका। आपको ये लेवल ले रहे हैं, इसमें एक पॉइंट ही ले लीजिए, टॉपिक ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। इस टॉपिक में एक रोड ले लीजिए, सपोज कीजिए आप एक रोड बना रहे हैं, तब ये रीडिंग याद रहेगी, ये मेथड याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। एक सपोज कीजिए आप एक रोड बना रहे हैं, आपको रोड का काम मिल गया है, आपको आपको बस इंस्ट्रूमेंट सेट सेट करना है, रीडिंग लेते चले जाना है और लेवल डिफरेंस करते जाना है, क्या लेवल आ रहा है रोड पे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग टेकन विद ए स्टाफ ऑन ए बेंच मार्क ऑफ 432.384। आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, ठीक है, अपने पास बेंच मार्क आ गया, उसका जो भी फर्स्ट लेवल है 432.384, इसमें कोई भी आपको मानना नहीं है, 100 या फिर 2 मान देते ना, जो भी हम स्टाफ रखते थे उसमें आपको कुछ नहीं मानना है, उसमें आपको पहले से ही लेवल दिया होगा, उसमें एक में मार्क कर देते हैं, जैसे 100 मार्क कर देते हैं ना, ऐसे ही फर्स्ट लेवल आपने ये मार्क कर दिया है, उन्होंने ये मार्क कर दिया स्टॉक ने बेंच मार्क को 42.384। इसमें से अपने सबसे पहले आपको इसमें देखिए, इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए, तब तक इतना भूल जाइए। अब मैं आपको इसमें एक रीडिंग रखनी है, ये रीडिंग रखते हुए जाना है, इसमें इंस्ट्रूमेंट कब कब चेक हुआ है, थर्ड, सिक्स्थ एंड नाइन्थ, सिक्स सेवन एट, एट के बाद चेक हुआ है, थर्ड सिक्स्थ एंड एट, इसमें थर्ड के बाद चेक हुआ है चेंज, सिक्स्थ के बाद एंड एट के बाद, ठीक है, थर्ड के बाद चेक हुआ है, उसके बाद हुआ सिक्स के, उसके बाद हुआ आपके पास एट के, ठीक है, ये याद रखना हमेशा, थर्ड सिक्स्थ एंड एट के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, सेम मेथड आपके पास वो ही रख देना, बस थर्ड के आप थर्ड रीडिंग के आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रीडिंग का 0.988, पहले फर्स्ट रीडिंग आप रख लीजिए, स्टेशन बना लिया अपनी, रीडिंग की टोटल रीडिंग कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसमें निकालना क्या, एंटर दी अबाउ रीडिंग एंड कैलकुलेट दी आर एल, रिड्यूस लेवल निकालने हैं और पॉइंट्स के और फर्स्ट रीडिंग। अगर आपको लेवल निकालने हैं तो लेवल निकालने है, मतलब उसने ने पूछा क्या है, लेवल निकालने मतलब आपने सभी पूरे रोड का अपने इन लेवल में लेवल पूछा है, इसमें से अब कितना डाउन है, अब या डाउन क्या है, ये याद रखना हमेशा, उन्होंने लेवल पूछा है पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स, देखो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। और कोलिमेशन मेथड आएगा तो कंटिन्यू चलता रहेगा, चलो शुरू करते हैं। तो रीडिंग ऑफ लेवल द पॉइंट्स मे बी कैलकुलेटेड बाय द राइज एंड फॉल मेथड बाय एज बाय टेबुलेटेड, रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट्स मे बी कैलकुलेटेड बाय द राइज एंड फॉल मेथड। आपको पता होना चाहिए अगर आप लेवल निकाल रहे हैं तो सभी पॉइंट्स के आपके पास डिफरेंस करना चाहिए, इसमें से इसका डिफरेंस क्या है, इसका इसका डिफरेंस क्या है, फिर आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है, फिर तो आपके पास इसका नहीं आएगा, तो इसका इसका आएगा थर्ड का, ठीक है, क्योंकि आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट एक है, बस खाली इंस्ट्रूमेंट ही चेंज हुआ है, तो ये आ गया, इसका इसका कर लीजिए या फिर इसका इसका चेंज कर लीजिए डिफरेंस। चलिए शुरू करते हैं, रीडिंग आपने सबने रख ली, फर्स्ट रीडिंग आपने हमेशा फोर हेड में रखनी है और लास्ट रीडिंग हमेशा, जो ये हमेशा कितनी रीडिंग है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेन, टेन आपने स्टेशन बना लिया है,
स्टेशन आपने बना ली है 10, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट एंड नाइन 10 स्टेशन बना लिया आपने। आपने फर्स्ट रीडिंग हमेशा फोर बैक साइड में रखनी है, इंटरमीडिएट साइड इसको भूल जाइए अभी, इंटरमीडिएट साइड को बस हमेशा फोर साइड याद रखिए। आपके पास ये क्या है, थर्ड, थर्ड चेंज हो गई, थर्ड में रख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में थर्ड रीडिंग रख लीजिए, लास्ट फोर साइड में हमेशा आएगी, हमेशा याद रखना फोर साइड में अपने इंस्ट्रूमेंट रखा, लास्ट रीडिंग जो भी छोड़ी है आपने वो हमेशा फोर साइड में आती है, फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड में आती है। इंस्ट्रूमेंट चाहे कितनी बार भी चेंज करो, कितनी बार चाहे हज़ार बार भी चेंज करोगे ना, इंस्ट्रूमेंट चेंज करते जो भी आप फर्स्ट रीडिंग आएगी ना आपकी, फर्स्ट रीडिंग लेंगे वहाँ पे वो आपकी बैक साइड में, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट हटाने से पहले ही लेवल ले, जो भी आपने लेवल लिया होगा वो आपके फोर साइड में। तो इसके बाद आपने आ गई फर्स्ट रीडिंग 2.09, ठीक है, या फोर्थ में रख लीजिए, या फोर्थ में आएगी, फिर आपने फिफ्थ सिक्स्थ, या आपकी सिक्स्थ फोर्थ साइड में आ जाएगी, पांचवी और छठी फोर्थ साइड, उसके बाद आपकी या सातवीं फर्स्ट, ठीक है। आपने ये सारी रीडिंग रख ली, रख ली आपने, बता दिया मेथड सभी आपने रख ली, जो आपके पास ई रीडिंग बची वो इंटरमीडिएट साइड में लाइन बाई लाइन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आपके पास फर्स्ट में आई, फिर आपकी इंटरमीडिएट साइड में आ जाएगी, फिर ये लास्ट में आ जाएगी, फिर ये फर्स्ट में आ जाएगी, फिर इंटरमीडिएट साइड में आ जाएगी, फिर ये लास्ट में आ जाएगी क्योंकि ये लास्ट रीडिंग है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट में आ जाएगी क्योंकि ये इसके बाद की है, फिर इसके बाद की रीडिंग हमेशा ये आ जाएगी, ये कहाँ आएगी, फोर्थ साइड में, इसके बाद ये फर्स्ट रीडिंग है, ये फोर्थ साइड में आ गया बैक साइड में, बैक साइड के बाद आपकी ये लास्ट रीडिंग, ये लास्ट रीडिंग है हमेशा फोर्थ साइड में, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, ये रख ली। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका लेवल उन्होंने बता दिया है, फर्स्ट लेवल 432.384, ठीक है, ये लेवल। अब करना क्या है, आपके पास तीनों लेवल है, इसमें ये चीज़ भूल जाइए अभी, ये लेवल भूल जाइए, अपना पहला जो इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया है ना उसका लेवल कीजिए, सपोज कीजिए आपने ये इंस्ट्रूमेंट लगाया है, ये लेवल चेक करते जाना है आपने, इस एक इंस्ट्रूमेंट का हटाने बाद तब आना है, इसके बाद आपने देखना है ये रीडिंग ली है आपने बैक साइड, फिर आपने इंटरमीडिएट साइड ली है, इसमें ये देखना है ये अप है या डाउन है, इससे इन दोनों में डिफरेंस क्या है अप डाउन का, आपने पहली रीडिंग ली है फिर दूसरी रीडिंग ली है, ये अपनी देखी है ये इससे ऊंचा है या डाउन है, अगर राइज का मतलब क्या हुआ है आपका, प्लस हुआ है मतलब लेवल आपका उठा है, और फॉल का मतलब है आपका माइनस, मतलब लेवल आपका डाउन हुआ है, ठीक है, इसमें से ये रीडिंग घटा देते हैं, प्लस अगर आपका जो भी रीडिंग घटाने प्लस करने पर आएगी, जैसे सपोज कीजिए 2.228 है, 1.606 है, 226 ये आ गई आपकी 6.22, तो ये आपकी कौन सी में आएगी, इसमें कोई माइनस नहीं आया ना, तो ये प्लस में आई है तो मतलब राइस हुआ है, देखिए ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये रीडिंग, इसमें से ये रीडिंग इन दोनों का डिफरेंस क्या है, अब मान लीजिए आपने ये लेवल लिया है, रोड बनाते जा रहे हैं, आपने ये मशीन सेट की है यहाँ पे, ये मशीन रख दी है, अपने फर्स्ट रीडिंग ले ली है, फिर ये रीडिंग ले ली है, आपको पता चला होना चाहिए ये ऐसे है कैसे है, आपने यहाँ पे स्टाफ रखा, फिर आपने इधर रखा स्टाफ, ठीक है, अपन ये तो अप हुई ना, अप होने के बाद ये तो घट जाएगी, लेवल तो घट जाएगा, देखिए स्टाफ को बता देता हूँ मैं, ये लेवल है, ये आपकी मशीन है, ये आपकी मशीन है, ये सेव किया अपने, एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा, एक बार यहाँ पे रखा, देखिए रेंज आई यहाँ पे, ठीक है, रेंज आई इधर, ये तो 1 मीटर आ गया, और ये आ गया 0.5 मीटर, तो मतलब ये तो घटी है ना, घटा तो मतलब लेवल उठा, ठीक है, बता दिया मैंने, इतना समझ लेना बस। अब उसके बाद आ जाता है ये लेवल, ये बड़ी है ये छोटी है, तो मतलब ये घटा दीजिए, पहले सबसे पहले घटाने में देखिए 1.606.988 8 1 और 6.618, अब देखिए यहाँ पे रीडिंग, इसके सामने रीडिंग क्या आएगी, 0.618, ठीक
ठीक है, ऐसे ही करते जा रहा है। पहले राजपाल मेथड ले ले लीजिए, राजपाल मेथड करते चले जाइए, राजपाल मेथड करते चले जाइए। इसमें कराना है, इसमें से कभी भी याद रखना फोर साइड में से बैक साइड कभी भी मत कटाना, क्योंकि आपका ये से इससे कोई मतलब ही नहीं है इससे इसके, क्योंकि आपकी ये है लास्ट रीडिंग। देखिए इंस्ट्रूमेंट एक बार आपने यहाँ पे सेट किया, लास्ट रीडिंग आपने मान लीजिए टीवीएम में ऑन लिया, कोई भी मान लीजिए, आपने एक बार रीडिंग यहाँ पे ली, फिर इंस्ट्रूमेंट आपने ये चेक किया, यहाँ पे सेट किया, आपने फिर रीडिंग बैक साइड ली, तो इसमें से इसका डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, ये लेवल कभी भी घटाना प्लस मत करना, ठीक है। इसमें से ये मत घटा देना कभी भी, ये आपकी फर्स्ट है, ये लास्ट रीडिंग है, ये कभी भी नहीं घटेगी। इसमें से इसका डिफरेंस आ जाइए तो ये आपके सामने आ जाएगा, ये इसका डिफरेंस नहीं है यहाँ पे कोई डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लेवल आ जाएगा, रीजन फल इसका लेवल, क्योंकि ये लेवल एक ही है, ना ये फाइल में है ना ही राइस में है, ठीक है, आपका लेवल आ जाएगा, क्योंकि ये सेम लेवल है, देखो सेम लेवल है ना, तो 0-0 है, क्योंकि ये एक रीडिंग है, एक ही बेंच मार्क है दोनों, ये ना एक ही बेंच मार्क है। क्यों आ गया टेबुलेटेड पॉइंट, या फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पे सी पी, लिख दीजिए चेंज पॉइंट, सी पी लिख लीजिए यहाँ पे चेंज पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने ये रीडिंग घटाई है इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड फोर साइड, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो इसमें से माइनस करने पर ये बड़ी है छोटी है, तो माइनस, इसका मतलब आपका फाल राइज हुआ है 1.602, फिर इसमें से मत घटाना कभी भी। तो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया, बिल्कुल सिंपल मेथड, ठीक है, क्योंकि ये फोर साइड, ये बेंच मार्क एक ही है, एक ही बेंच मार्क है दोनों का, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, इसमें से ऐसे घटाना है, इसमें से ये घटाने के बाद आपके पास ये क्या हुआ है, ये रिंग बड़ी है छोटी है, तो घटाने के बाद अगर माइनस आ जाता है ना, हमेशा याद रखना, अगर माइनस आ जाता है तो वो आपका फाल में आ जाएगा, मतलब डाउन हुआ लेवल, और आपके पास प्लस में आ जाता है तो फाल अप हुआ है, बैक साइड में 1.001.044 और फोर साइड में, तो ये लेवल कटा दीजिए तो फाल हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास लेवल, अगर देखिए फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल थर्ड लेवल, आपके पास फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल गिवन है आपके पास, हमेशा रखना चेंज पॉइंट, जो भी आपने चेंज पॉइंट लिया ना थर्ड पर लिया है थर्ड पे, उसके बाद सिक्स पर लिया है सिक्स पे चेंज पॉइंट, उसके बाद आपने एट एट पर लिया है एट एट पर चेंज पॉइंट लिख देना है, ठीक है, रिमार्क में करा देना है कि अब बेंच मार्क हो गया आपके पास। अब देखना है लेवल, लेवल क्या है आपके पास, राइज फाइल, इसको भूल जाइए अब इसको याद रखिए इनमें से, इसमें अब ये देखिए राइज में से क्या हुआ है, अगर राइज हुआ है तो इस लेवल में प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगर फॉल हुआ है तो माइनस, इस लेवल में से घट जाएगा। चलो अब अलग अलग, ये नहीं अलग अलग घटते चले जाना है, 4.32 प्लस ये आ गया 4.3, अब इसमें से लेवल ये घटा देंगे इसमें से ये लेवल प्लस करते हुए चले जाएंगे, इस लेवल में घट जा रहा है, तो 4.3, तो ये लेवल क्या है अलग अलग है, अलग अलग क्योंकि हमने राइज फॉल अलग अलग में लिया है, ठीक है, इसमें से ये प्लस कर देंगे, तो क्योंकि राइज हुआ है अप हुआ है लेवल बड़ा है, ठीक है, 4.33.62। अब ये लेवल टीवीएम है चेंज पॉइंट है, तो यहीं पे रख देंगे, ठीक है। अब इसमें से ये घटा देंगे 4.33.62 में से 0.7 घटाने के बाद ये आ जाएगा, अब लेवल हमारा पास बड़ा है, इस लेवल में हमारा पास अप हुआ है, ये आ जाएगा 4.32.452 लेवल, ठीक है। अब इस लेवल में से ये चेंज पॉइंट हुआ है, अब ये पास आपका क्या टीवीएम है, यहाँ पे बेंच मार्क है या टीवीएम है, ठीक है। अब इसे लेवल सेम रहेगा, अब इसमें अब ये लेवल है, अब ये लेवल होने के बाद आपके पास ये लेवल है, तो लेवल इस लेवल में से हमारे पास ये घटा है तो ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेवल आने के बाद, इसके बाद चेंज पॉइंट हुआ है, फिर चेंज पॉइंट हुआ तो लेवल सेम रहेगा, तो अब राइज फॉल में क्या है, लेवल इस लेवल में से हमारे पास घटा है बड़ा, इस लेवल में से हमारे पास घटा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पास टेबल आ गई, अगर ये याद रहा है ना आपके पास राइज फॉल मेथड, ये आपके पास राजन, ये बिल्कुल लेवल है, ये लेवल क्या है रोड आपका घटा है, ये आपका जैसे ये रोड है ना, ये रोड है आपको, ये रोड इस तरह से है, ये रोड बना नहीं है, ये कलिंग कटिंग होनी है या फिलिंग होनी है ये देखना है आपको, लेवल ये लेते जाना है ये, ठीक है, आपको ये देखना है लेवल
ऊंचा हुआ है या घटा है, या ऊंचा है या घटा है, ठीक है। और मान लेते हैं ना ड्राइंग बन जाएगी, वो ड्राइंग पे आप उसको शो कर देंगे, ये लेवल भाई इतना है, ये लेवल इतना है, ये लेवल इतना है, टेबल आपके पास है, ठीक है। अब इसको अब आपको चेक करना है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक चेक। अब आप अर्थमेटिक चेक करना है, समेशन बैक साइड, समेशन ऑफ बैक साइड, इसका टोटल जोड़ करना है आपको, बैक साइड का जोड़ जो भी आ जाएगा जोड़ समेशन, ठीक है। अब समेशन फोर साइड, फोर साइड आ जाएगा। अब लास्ट लेवल लेना है वो फर्स्ट लेवल, सेम आपका पास मेथड आएगा लेवल में, ठीक है। बैक साइड, बैक साइड आपकी समेशन 5.964 माइनस समेशन ऑफ फोर साइड 6.916, लास्ट लेवल है 431.432 और फर्स्ट लेवल है 432.384, 384 माइनस करने पर 0.052, ठीक है। और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, और लाइक कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा, बहुत सी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इस अब सिलेबस से मैं कॉलेज बेस पर, डिप्लोमा बेस पर एंड फील्ड वर्क बेस पर भी मैं अपना फील्ड एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।